थाना अधारताल में वाहन चेकिंग के दौरान 17,76,900 रुपए जब्त किए गए हैं। दरअसल 10/10/2020 की रात्रि लगभग 1 बजे रिछाई मोड़ महाराजपुर पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका गया। मोटरसाइकिल में 3 लोग सवार थे। तीनों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम जितेंद्र सिंह, राजेश भसीन, इंद्रपाल सिंह बताए। तलाशी लेने पर बैग में 17,76,900 रुपए रखे मिले। रुपयों के संबंध में पूछताछ करने पर कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने पर रुपयों को जब्त करते हुए तीनों को थाना लाया गया। सघन पूछताछ पर जितेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया कि उक्त रुपए अपनी साली बाला सिंह के चोरी करके लाए गए हैं, जो कि रुपए लेकर उसके घर आई हुई थी। जब रात्रि पेट्रोलिंग और गश्त हो रही थी तो आधारताल थाने में हमारे जो मिश्रा जी हैं उनकी पूरी टीम ने रिछाई मोड़ पर महाराजपुर में चेकिंग किया। कुछ लोग बाइक से जा रहे थे, 3 लोग थे। उनको जब चेक किया तो संदिग्ध लगे बैग को जब खोल करके देखा तो उसमें लगभग 17,75,00,000 रुपए की राशि थी। राशि के संबंध में पूछा तो वो उसको अच्छे से बता नहीं पाए तो थाने लाया गया। और थाने ला करके उनसे अच्छे से पूछताछ की तो अभी तक वो ये बताए हैं कि वो जो उनकी जो जितेंद्र है इसमें एक व्यक्ति, उसकी जो साली है उनका पैसा है, जैसे वो पुणे से चुरा करके लेकर के आए हैं। और डिटेल में वो कुछ नहीं बता पाए हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक वो नहीं बता पाए हैं, इसलिए धारा 102 में उसको जब्त किया गया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपा जाएगा।